आज के इस वीडियो में BSNL के बारे में ऐसा कुछ कहने वाला हूँ जिसको सुनकर आज तक जो लोग BSNL को पसंद नहीं करते थे वो लोग शायद आज के बाद से BSNL को पसंद करना स्टार्ट कर देगा। और अगर आज का ये वीडियो देखने के बाद भी वो लोग BSNL को नापसंद करते हैं तो मेरे पास उन लोगों के लिए कोई भी भाषा नहीं है कहने के लिए। एक्चुअली देखिए, मैं दिल से BSNL को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि BSNL जो है ग्रो करे और मार्केट में रहे, ठीक है, लाइफ टाइम मार्केट में रहे। BSNL अगर नहीं रहेगा तो क्या कुछ हो सकता है, मैंने बहुत सारे वीडियो के अंदर बताया है, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता है, वो अलग बात है। लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ, मेरे तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि दिल से चाहते हैं कि BSNL का जो 4G है वो आए और BSNL ग्रो करे और BSNL मार्केट में रहे। ठीक है, BSNL को लोग जैसा समझते हैं ऐसा है नहीं BSNL। इसीलिए BSNL का कुछ भी अगर अपडेट आता है ना, कि कहीं पर भी BSNL का थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ा देता है, BSNL अगर अपना ढंग का काम करना स्टार्ट कर देता है, BSNL अगर 4G लॉन्च कर रहा है, कुछ भी अगर अपडेट आता है, तो मैं इसीलिए वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताता हूँ क्योंकि आप जान सके कि हाँ BSNL काम कर रहा है, ऐसा भी नहीं है जैसा आप समझते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि BSNL पूरा मर गया है, वो काम ही नहीं करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार वीडियो के थ्रू जो भी अपडेट आता है, जो भी न्यूज़ आता है, आप लोगों तक पहुंचाता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ आपको कि हाँ BSNL अभी जिंदा है, काम कर रहा है, ऐसे ऐसे जगह पे काम कर रहा है जहां पर अगर BSNL काम नहीं करता तो बहुत सारे लोग मर जाते। यस, बहुत सारे लोग मर जाते। एक बार आप समझ के देखिए दोस्तों, जो सियाचिन ग्लेशियर पे BSNL ने टावर लगाया वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसके बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, आपको पता ही होगा। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ उत्तरकाशी के जो टनल रेस्क्यू है उसके बारे में। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको तो इसके बारे में पता ही होगा। 12 नवंबर से 41 लोग, 41 लोग उत्तरकाशी का जो नीचे मिट्टी के नीचे टनल है वहाँ पे फंसे हुए हैं। एक ऐसा जगह है वहाँ पर कोई लाइट नहीं है, एकदम अंधकार जगह है, कोई खाने पीने का चीज़ नहीं है, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन 17 दिन के बाद अभी जाके एक एक लोगों को उठाया जा रहा है, बहुत कोशिश के बाद। ठीक है, अभी आप सोच के देखिए, जो लोग मिट्टी के अंदर धंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, मिट्टी धस गया है वहां पे फंसे हुए हैं, वो लोग अगर कोई भी कुछ नहीं, मतलब कोई भी सिग्नल नहीं दे पाएगा, कुछ बताया नहीं पाएगा, तो बहुत सारे लोग सोच रहेंगे कि हाँ चलो ये लोग मर गए हैं। अभी 17 दिन तो बहुत कम है, 17 दिन के अंदर वो लोग बाहर आ चुके हैं। लेकिन आप सोच के देखिए कि ऐसा जगह फंस गया है जहां पर ऊपर से लोग नीचे नहीं जा पा रहे हैं, नीचे का लोग ऊपर तक सिग्नल नहीं पहुंचा रहा है, ऐसा करते करते लोग कोशिश करते करते 6 महीने हो गया। 6 महीने तो छोड़ ही दीजिए आप, अगर 2-3 महीने भी ऐसा करते करते चले गए ना, मतलब कोई भी सिग्नल नहीं मिलता है, तो लोग समझ जाएंगे कि चलो वो लोग मर गया है। और अभी उन लोगों को बता दिया जाएगा, उनके परिवार को बता दिया जाएगा, खबर में आ जाएगा कि हाँ जो लोग मिट्टी के नीचे फंसे हुए थे वो लोग मर गया है। लेकिन शायद वो नहीं मरा होगा, है ना, हो ही सकता है, क्योंकि नीचे का लोग ऊपर तक सिग्नल नहीं पहुंचा पा रहा है, बता नहीं पा रहा है कि हम जिंदा है, खाना भेजो यहाँ पे, सांस नहीं ले पा रहे, हम लोगों को उद्धार करो यहाँ से। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर कौन कौन यहाँ पर आया सबसे पहले? BSNL। केंद्रीय सरकार की मदद से यहाँ पर बताया गया है कि 1 दिन के अंदर टनल के अंदर जो लोग नीचे फंसे हुए हैं वहां तक एक लैंडलाइन कनेक्शन दीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लोग एटलीस्ट अपने घर पे फोन करके बता सके कि मैं जिंदा हूँ, तेरा पापा जिंदा है, तेरा भाई, तेरा दादा जो भी है जिंदा है। ठीक है, तो घर का लोग जो है एक, मतलब एक सांस ले सके, समझ रहे हैं ना, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं BSNL को पसंद करता हूँ। ठीक है, नीचे का लोग जो है फोन करके ऊपर भी बता सकते हैं कि हम अभी जिंदा हैं, लोग मतलब आप जल्दी से जल्दी हमको रेस्क्यू कीजिए, यहाँ से आ जाइए, वहां से आ जाइए, यहाँ पे हम लोग एक सुरंग दिख रहा है, ऐसा नीचे का लोग बता सकते हैं, एटलीस्ट बता सकेंगे कि हम जिंदा है। जब तक वो लोग बताते रहेंगे कि हम जिंदा है, तब तक ऊपर का जो लोग है, जो कि मिट्टी के ऊपर है, जो कि रेस्क्यू करने वाला है, वो लोग तब तक रेस्क्यू करने में लगा हुआ होगा, उसमें चाहे 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल लग जाए, फिर भी रेस्क्यू करने में लगा होगा, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो मिट्टी के नीचे फंसे हुए हैं और वो जिंदा है, ऐसा नहीं है कि छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई सिग्नल नहीं मिलता, अगर वो नीचे का जो लोग फंसे हुए वो लोग अगर नहीं बोल पाता कि हम जिंदा हैं, तो 2-3 महीने के कोशिश करने के बाद बहुत सारे लोग सोच लेते कि हाँ वो मर गए हैं, अगर नहीं मर गए होते तो शायद कुछ ना कुछ सिग्नल देते, है ना।
लेकिन हो सकता है कि वो लोग नहीं बड़े होंगे। और आप समझ के लीजिए कि एक एक आदमी जो है भूखा प्यासा वहाँ पे, जब तक वो लोग मर नहीं जाते तब तक वहाँ पे फंसे रहेंगे। वो लोग क्या बताऊँ मैं, मरने का इंतज़ार करेंगे भूखा प्यासा। लेकिन एक सिग्नल की मदद से, BSNL की मदद से, लैंडलाइन फ़ोन की मदद से एक बार फ़ोन करके बता देगा कि हम जिंदा हैं, आप कोशिश जारी रखिए। घर में बता देंगे कि हाँ मैं जिंदा हूँ, ठीक है, तो घर का लोग भी शांत रहेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? दिल से एक बार समझिए चीज़ को कि BSNL का मार्केट में रहना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा बहुत BSNL को सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा है तो BSNL को छोड़कर चले जा रहे हैं। BSNL काम कर रहा है, थोड़ा बहुत समझे बात को, ठीक है। BSNL को छोड़कर दूसरे कंपनी सब, आपका प्राइवेट कंपनीज क्यों नहीं आया यहाँ पे, आप बताइए क्यों नहीं आया? और ये सब करने में, ये जो लैंडलाइन कनेक्शन आया यहाँ पे, जो लोग वगैरह आए सब कुछ, ये सब करने में भी BSNL का पैसा जाता है। ऐसा नहीं है कि BSNL हर जगह प्रॉफिट देखता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि BSNL तो ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता, तो जो कर पाता है उसके लिए कभी बोल लीजिए, कभी बोल लीजिए कि हाँ ये कर पाया है BSNL ने, ये करके दिखाया है और यहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं जा रहा है और आगे भी नहीं जाएगा। सियाचिन ग्लासियर पे जो लोग हैं, जो टावर इंस्टॉल किया गया है वहाँ पे, कुछ इंडियन आर्मी है, वो लोग कितना कॉल करेंगे, कितना ज़्यादा रिचार्ज करेंगे कि वहाँ से BSNL लाखों करोड़ों का प्रॉफिट जनरेट करेंगे? कितना करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे उतना। लेकिन वहाँ पे लाखों करोड़ों का BSNL खर्चा करके बैठे हैं, और BSNL ऐसे बहुत सारे जगह के अंदर खर्चा करते हैं, वो पैसा कभी रिटर्न नहीं आता प्रॉफिट के तरह। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक बार दिल से समझिए। मैं दिल से बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ इसीलिए BSNL को, और मैं चाहता हूँ एज एन इंडियन कि BSNL मार्केट में रहे। आप क्या चाहते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों को जो लोग BSNL को पसंद नहीं करते, अपने फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मेरे साथ जुड़े रहिए। हर इवनिंग के 8:30 बजे मैं आप सभी के लिए BSNL रिलेटेड अपडेट लेकर आ जाता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।